हर वो लोगों के साथ खड़ा उतरना है जो जवान के साथ हैं और किसान के साथ। देश दो व्यक्ति पर टिका हुआ है, पहला किसान, दूसरा जवान, समझे। अगर इस पे अगर खतरा अगर मंडरा रहा है तो समझ लीजिए कि ये देश संकट में है। हम लोग किसान के साथ हैं और कारगिल में जो जवान है मेरे देश के लिए लड़ता है उनको मुंडी हमारा कटे तो कटे मगर हम नौजवान के साथ हैं, किसान के साथ हैं। जय बिहार, जय बिहारी। जो हमारे बिहार के लिए खड़ा रहेंगे हम उसके साथ रहेंगे। 2024 का ये ड्रामा है सरकार का कि ये फलाना है, ये ढिमका है, ये कुछ नहीं, वो किसान नहीं है, वो किसान होता तो वो ट्रैक्टर नहीं होता। ये अनाज हम उपजाते हैं, आप बेचिएगा, औकात क्या आपका, हम कमाते हैं, आप कैसे वो हमको कहिएगा। हम कमाते हैं, हम बेच सकते हैं, किस रेट में बेचना है। जैसे हम प्याज लेने जाते हैं या कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए सोना लेने जाते हैं तो पहले से तय रहता है कि ये रेट पर है, और जब मतलब अगर हमारा चावल हम उपजाएँ तो हमको पहले से कि ये फिक्स रेट पर बेचना है, ये तो गलत ना है। हम अपने देश के गार्जियन को कहना चाहते, हमारे देश के गार्जियन श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर अपने बच्चों को समान रूप से अगर देखते तो इसको आंदोलन करने की क्या जरूरत था। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति, आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उसी नारा का जो है आज कह रहे हैं कि एक तरफ से जो है उस नारे को झुठलाया जा रहा है। किसान जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम किसान के साथ है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि सरकार हमारे साथ नहीं, सरकार खुद के साथ बस रहना चाहते हैं, वो लोगों की बात नहीं सुनना चाहती है। हमारे साथ पट्टा की जनता है, उससे पूछेंगे क्या कहिएगा किसानों के बारे में जो वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, किसानों के बारे में क्या कहिएगा जो वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा देर पहले मैडम जी बोले थे लाल बहादुर शास्त्री जी का कहना था जय जवान और जय किसान। देखिए, मेरा कहने का मतलब यही है, देश दो व्यक्ति पर टिका हुआ है, पहला किसान, दूसरा जवान, समझे। अगर इस पे अगर खतरा अगर मंडरा रहा है तो समझ लीजिए कि ये देश संकट में है, है ना। हर वो लोगों के साथ खड़ा उतरना है जो जवान के साथ हैं और किसान के साथ है, है ना। उसकी दुख में हमारी दुख होगी, उसकी खुशी में हमारी खुशी होगी। वो तो BMW मर्सिडीज कार नहीं मांग रहे, अपने हक की लड़ाई मांग रहे, अपना योगदान आप मांग रहे, आप लोग आपसे सरकार से, तो उसकी मांग के पूरा किया जाए। अन्यथा बेवफा जो चलाता है, जो हम उसको बोला जाता है गोदी मीडिया, तो वो घुमा फिरा के बातों को अस्तित्व रूप से नहीं देखा पाती है, पर हाँ बरगलाने का काम होता है। पूर्ण रूप से उसके साथ होना चाहिए, समझे। ये और कुछ नहीं, 2024 का ये ड्रामा है सरकार का कि ये फलाना है, ये ढिमका है, ये कुछ नहीं, वो किसान नहीं है, वो किसान होता तो वो ट्रैक्टर नहीं होता, ये नहीं होता। देखिए, समय बदला है, लोग बदले हैं, आंदोलन का तरीका भी बदला है। खालिस्तानी आरोप भी लग रहा है। नहीं नहीं, देखिए, खालिस्तानी आरोप वही लोग लगाने का काम करते हैं जो गोदी मीडिया टाइप के लोग होते हैं, समझे। गोदी मीडिया की क्या परिभाषा है? देखिए, गोदी मीडिया, देखिए, एक सब बिका बिका हुआ, जैसे कि हम बाबा को खरीद लिए, एक गेटअप दे दिए, एक आइडेंटिटी दे दिए, मगर काम मेरा अपना है, है ना, काम मेरा अपना है, शकल चेंज हो गया, काम मेरा अपना है और कुछ नहीं है। गोदी मीडिया का यही सारांश निकलता है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम जो है किसान के हित में काम कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। अरे सरकार यदि अगर किसान के हित में यदि अगर काम करती, काम करते अगर, तो आंदोलन तो होने का कोई जरूरत ही नहीं था। बिल भी वापस ले, बेबुनियाद कोई भी, अगर आपको समय पर अगर माता पिता हर सुख सुविधा यदि अगर देते तो उसका विरोध करिएगा आप। हम अपने देश के गार्जियन को कहना चाहते, हमारे देश के गार्जियन श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर अपने बच्चों को समान रूप से अगर देखते तो इसको आंदोलन करने की क्या जरूरत था, आंदोलन हो तो होता ही नहीं। कह रहे हैं कि जो भारत है वो अर्थव्यवस्था के मामले में एकदम टॉप पर है, विदेश नीति हमारी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो किसान एक छोटा सा मुद्दा है उसको हम सुलझा लें। तो यो कब, मतलब कब सुधरेगा ये किसान का मुद्दा, वो डेट बता दे, वो तारीख बता दे। कह रहे हैं कि कुछ लोग जानबूझ के भड़का रहे हैं, 24 का चुनाव भी आ रहा है इसलिए भड़का रहे हैं, वो किसान नहीं है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, अब हर मुद्दा को आप राजनीतिक गलियारे से जोड़िएगा तो वो गलत है, समझे। हम मान रहे हैं कि एक महीना बाद चुनाव आने वाला है या दो महीना बाद आने था, जो 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, हर चीज को जो है ना राजनीतिक माध्यम से नहीं जोड़ा जाए, वही कहीं बेहतर होगा, समझे। अपनी हक की लड़ाई के लिए अगर आप आंदोलन कर रहा है वो तो वो सही है, वो BMW के लिए आंदोलन नहीं कर रहा है, वो अपनी अन्यथा कोई भी चीज के लिए किसान आंदोलन है, किसान अन्नदाता हिंदुस्तान का, और पंजाब हो या हरियाणा हो, 80-70% अनाज वहीं से आता है। कह रहे जो असली किसान होते वो कभी देश का नुकसान नहीं करते,
देखिए असली, देखिए हम थोड़ा देर पहले, हाँ देखिए असली किसान होते तो देश का नुकसान नहीं होते उनको। देखिए वो एक दौर था कुछ और था, समझे, वो दौर 47 का था, ये दौर 2000 जो है 2024 है, तो वो लोग बदले हैं, इन लोग बदले हैं, तो आंदोलन करने का तरीका भी बदला है। कि क्या सही है? हाँ, हमारे हिसाब से आंदोलन के साथ जो भी किसान जहाँ पे उसके शोषित हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, तभी वो रोड पर उतर रहे हैं, तरीका आंदोलन का बदल रहा है, उसके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे, जवान के साथ रहेंगे और किसान के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। क्या कहिएगा बाबा किसानों को, जो किसान जो परेशान हो रहे हैं, वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? किसान के तो प्रदर्शन बहुत सही है। हाँ। कहने की बेटा ये सोच लो कि जितने भारत के अंदर में धान होते हैं तो बारिश नहीं पड़ता है तो धान बेकार हो जाता है, और मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छा की बात है। मोदी जी वादा भी कहे थे कि कोई किसान को परेशानी नहीं होने देंगे, बिल भी वापस लेंगे। हाँ, वो वापस भी लेंगे, और हर किसान के जो है, जो जमींदार हैं, जो 5 बीघा 10 बीघा 15 बीघा वाला जमींदार है, 50 बीघा, उनको जगह जगह पर बोरिंग देंगे, लाइन सिस्टम देंगे, जो कि तेल महंगा है, लाइन सिस्टम से पटेगा तो बोरिंग में खर्चा कम लगेगा, और खाद सुविधा दिया जाएगा, बीज सुविधा दिया जाना है। तो हम लोग किसान के साथ हैं, और कारगिल में जो जवान है मेरे देश के लिए लड़ता है, उनको मुंडी हमारा कटे तो कटे, मगर हम नौजवान के साथ हैं, किसान के साथ हैं। किसान को सुविधा होगा तो भारत में बेटी अनाज होगा, तब राजा रजवाला ऊन खरीदेगा तो पेट में अनाज जाएगा, यदि अनाज पेट में नहीं रहेगा, किसान अन्न देता है, विधाता है, धरती माँ को सेवा करता है, संती माँ को संतान है। कहने साधु संत गरीब दुखिया जो भी जाते हैं देहात में, उसको दान दिया जाता है, आटा देता है, गहूँ देता है। हम लोग रामधुनी कैसे करेंगे, किसान को अनाज नहीं उपजेगा तो किसान को पैसा नहीं होता, कहता है बाबा 50 किलो गेहूँ में ले लीजिए, बाबा 5 किलो गेहूँ में। गरीबो आदमी देता है, जो जोन मजदूर काटता फनता है वो 5 किलो अनाज देता है, बाबा रामधुनी करिए, जग करिए, तो किसान को उपजेगा तब न। तो मोदी जी यदि सुनते होंगे तो किसान के डेग डेग पर बोरिंग दीजिए, हर जमीन पर, जे कि मैंने चावल भी उपजे, धान भी उपजे और गेहूँ भी उपजे, हर फसल मेरा भारत उजाला हुए, जे कि 2 पैसा सुविधा हुए तो गरीब मजबूर किन के खाए, राजा रजवाला किन के खाए। जय किसान जय जवान। और कुछ लोग हैं, आप युवा हैं, आपको पता है किसान आंदोलन के बारे में जो कर रहे हैं वहाँ पे? हमको तो इससे पता नहीं है। जम्मू बॉर्डर पे हो रहा है, हरियाणा और पंजाब का वो बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पे पता है ऐसा कुछ? एक बात ये बोलेगा, हम तो इतना ही कहते हैं जय बिहार जय बिहारी, जो हमारे बिहार के लिए खड़ा रहेंगे हम उसके साथ रहेंगे। कौन आपको लगता है खड़ा रह सकते हैं? मेरे हिसाब से तो अभी शायद LJP भी चल रहा है उसका, ऐसे तो शायद। क्या नाम हुआ आपका? गौतम। तो क्या लगता है कौन अच्छे लगते हैं बिहार के, कौन से नेता अच्छे लगते हैं? हमको 2 नेता, एक LJP एक RJD है बस। नेता कौन से, नेता का नाम बताइए, पार्टी छोड़िए। नेता यही चिराग पासवान है, एक तेजस्वी यादव, दोनों युवा है। हाँ। तो युवा को युवा ही पसंद है। हाँ। क्या नाम हुआ? किसान आंदोलन तो हो रहा है, जो तो सही हो रहा है। हाँ। मतलब किसान के देखिए, यहाँ सबसे खराब स्थिति किसान का है, तो आप मानते होंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कि किसान अनाज उपजाता है, और मतलब बहुत सामान है जो खरीदता भी है, तो जितना भी सामान वो खरीदता है उसमें ज़्यादा मतलब कि उसको पैसा लगता है, मतलब कि वो ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, और जो उपजाता है वो बेचता है उसमें उसको ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे कोई भी गेहूं के या चावल का, सब का मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। जैसे हम लोग जब धान गेहूँ होता है तब पैक्स में बेचते हैं, तो पैक्स में थोड़ा ज़्यादा रेट पर लेता है, तो जितना भी उसका रूल है ना वो सब ठीक नहीं है। जैसे कि 45.5 किलो भरना है, या फिर मतलब कि बोड़ा भी, तो बोड़ा सूती का बोड़ा देना है, ये सब टाइप का रूल है जो ठीक नहीं है। किसान आंदोलन तो सही है, मतलब प्रॉब्लम तो बहुत है किसान को, तब ना आंदोलन कर रहा है। कह रहे कि हम तो हित में फैसला ले रहे हैं, गड़बड़ कहाँ कुछ है, सब सही है? नहीं देखिए, कोई भी मतलब आंदोलन होता है या कोई भी चीज़ होता है तो उसमें कारण होता है, जब गड़बड़ है तभी हो रहा है, सिस्टम में गड़बड़ी तो है। क्या कहिएगा किसान आंदोलन के बारे में? देखिए आंदोलन में हम तो बता रहे हैं कि बिहार में जो है किसानों के लिए मारा जा रहा है। हाँ, आप भी किसान हैं क्या? हाँ, किसान वर्ग से आते हैं, ठीक। और दूसरा हम लोग होमगार्ड की तरफ से भी हैं, बिहार होमगार्ड के, तो हमारे BJP सरकार हो या RJD सरकार हो, कोई भी अभी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं।
कोई भी सरकार अभी बोलेंगे हम आपको दे देंगे, वो बोलेंगे हम आपको देंगे, लेकिन सब झूठा वादा करते। कोई भी मंत्री हो या तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, कोई अभी हमारे लिए कोई सा है नेता नहीं कि उसको हम प्रॉपर चुने। मजबूरी में किसी को जिताना पड़ता है, मजबूरी के। और किसान के बारे में, ये अनाज हम उपजाते हैं आप बेचिएगा, औकात क्या आपका, हम कमाते हैं आप कैसे वो हमको कहिएगा। हम कमाते हैं, हम बेच सकते हैं, किस रेट में बेचना है आप देते हैं कि हम तय करेंगे सभी चीज़ का। जैसे हम प्याज लेने जाते हैं या कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए सोना लेने जाते हैं, तो पहले से तय रहता है कि ये रेट पर है। और जब मतलब अगर हमारा चावल हम उपजाएं तो हमको पहले से कि ये फिक्स रेट पर बेचना है, ये तो गलत ना है, आप ही बताइए। इस तरह होना चाहिए कि हम कमा रहे तो हमारे रेट के हिसाब से बिकना चाहिए। कि आप हम 12 रुपये बेच रहे हैं तो आप कहिएगा 8 रुपये हम खरीदेंगे तो 8 रुपये हम बेच देंगे, ऐसा नहीं नियम होना चाहिए भारत में। एक गलत है किसान की तरफ से। और कुछ बहुत बहुत धन्यवाद।